बैठ तो जाऊं। हाँ बैठ गया, करूं शुरू। चलो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं सैफी क्लासेस और मैं हूं एहसान सैफी। आज ये वीडियो किसी इंग्लिश लैंग्वेज पे नहीं होने जा रहा है, ये वीडियो माहौल को देख के उसके हिसाब से बनाया जाएगा। जो माहौल चल रहा है वो आपको पता है, कोरोना वायरस, जो कि बहुत ही डेडली वायरस है जिसने काफ़ी लोगों की जान ले ली है। मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिससे कि आप इस वायरस से बच सकते हैं और दूसरों को भी सजेस्ट कर सकते हैं कि वो अपने चाहने वालों को या अपने आप को इस वायरस से बचाएं इन टिप्स के ज़रिए। नंबर 1, चीज़ों को कम से कम छूने की कोशिश करें। एग्जाम्पल के तौर पर जब आप बाहर जाते हैं, पहले तो कोशिश करें कि आप चीज़ों को कम से कम छूएं। अगर आप किसी चीज़ को छूते भी हैं, जैसे कि आपने अपने फ्रेंड से फ़ोन लिया, अब आपको पता नहीं है वो फ़ोन किस किसने छुआ है और वो वायरस से इन्फेक्टेड भी हो सकता है। फ़ोन आपने फ़ोन लिया, आपने बिना हाथ धोए अपनी आँख से हाथ लगा लिया, तो वो आपकी आँख से आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा। अगर आपने अपनी नाक पे हाथ लगाया तो वो आपकी ब्रीथिंग के ज़रिए आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा। अगर आपने अपने माउथ पे हाथ लगाया तो आपके माउथ से आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा। तो बिना हाथ धोए अपने माउथ पे या नोज़ पे या अपनी आँख पे हाथ ना लगाएं। और हाँ, आपको हाथ कैसे धोने हैं? पानी से धो लिया काम नहीं चलेगा, आपको सोप से अच्छी तरह से अपने हाथ साफ करने हैं, आगे पीछे से हर जगह से। आप हैंड वॉश का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका हैंड वॉश अच्छा नहीं है तो आप उसमें डिटॉल लिक्विड का एक ढक्कन डाल के उसे और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। अब देखिए, हैंड सैनिटाइज़र बहुत महंगा मिल रहा है, अब मिल भी नहीं रहा है, बहुत मुश्किल से मिल रहा है, और उसमें अल्कोहल की मात्रा काफ़ी होती है जिससे कि आपके हाथ जो हैं वो काफ़ी ड्राई हो जाते हैं। आप उसे एमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं लेकिन रेगुलरली यूज़ नहीं कर सकते हैं। घर पे आप हैंड वॉश या सोप से ही अपने हाथ धोएंगे। नंबर 2, अपने पार्टनर के साथ फिजिकल होने में सावधानी बरतें। काफ़ी जगहों पर देखा गया है कि बॉयफ्रेंड को कोरोना वायरस था, उसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड भी इन्फेक्टेड हो गई। आपकी ज़िंदगी आपके अपने हाथ में है। नंबर 3, अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसे खांसी, नज़ला या जुकाम है, तो उसे कम से कम 1 मीटर की दूरी बना के रखिए। क्यों? जब वो छींकता है या खांसता है, उसकी छींक के या खांसी के छोटे छोटे पार्टिकल्स, कण आपके अंदर एंटर कर सकते हैं, जिससे कि आप भी कोरोना वायरस इन्फेक्टेड हो सकते हैं। नंबर 4, बाहर का खाना ना खाएं। बाहर का खाना आपको पता है कि वो साफ तरह से नहीं बनता है, अगर बनता भी है वो जो इंसान बना रहा है वो कैसा है आप नहीं जानते हैं। आप घर में खाएं, हेल्थी खाएं, जिसमें आप अच्छी मात्रा में प्रोटीन लें और फैट कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि अमेरिका में देखा जा रहा है कि जो मोटे लोग हैं उनकी ज़्यादातर डेथ हो रही है। एक मोटे लोग और जो एजिड लोग हैं उनकी ज़्यादा डेथ हो रही है कोरोना वायरस से। ठीक है, हेल्थी खाएं, अच्छी मात्रा में प्रोटीन लें, ग्रीन वेजीज खाएं और फैट कम खाएं और फल फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये थी कुछ टिप्स जिससे कि आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा फील होता है, जैसे आपको नज़ला है, जुकाम है या गले में दर्द है, और आपको ऐसा नज़ला जुकाम फील हो रहा है कि जैसे वो नॉर्मल नहीं है, तो आप सीधा डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें। और हाँ, किसी बाबा या पुजारी के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, इतिहास गवाह है, जब इंसान परेशान होता है तो सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा दूसरा इंसान उठाता है। आप अपनी जान से भी जाएंगे और माल से भी जाएंगे, तो किसी बाबा या पुजारी के चक्कर में ना पड़ें, आप सीधा डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें। तो मेरे दोस्तों, यही थी टिप्स जिससे कि आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता लगे कि वो इस कोरोना वायरस से बच कैसे सकते हैं। बुरा वक्त चल रहा है, अच्छा वक्त भी आएगा। एक्सरसाइज तो हो नहीं पा रही है, जिम जा नहीं पा रहे हैं, बस खाना है, सोना है, कुछ काम हो ही नहीं पा रहा। हाँ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेता हूँ, छत पे चला जाता हूँ, रोड़े पत्थर उठा लेता हूँ, ईंटों की ईंट उठा ली थोड़ी सी, और जी सिलेंडर ले गया छत पे, कंधे पर रखा, थोड़ी सी स्क्वाट मार ली, डिप्स मार ली, चिन्हप्स मार ली, इतनी एक्सरसाइज हो पा रही है। एज यू नो दैट आई एम अ फिटनेस कॉन्शियस पर्सन, बस यही चल रहा है। और ऊपर से हमारे मोदी साहब, मोदी जी आते हैं जी, टास्क दे के चले जाते हैं, ऐसा लग रहा है जी बिग बॉस खेल रहे हैं। पहले वाला टास्क था प्लेट बजाओ, इस बार टास्क दे के गए वो मोमबत्ती जलाओ। सपना था कभी यार बिग बॉस में चला जाऊं, वहां तो जा नहीं पाया, घर में बिग बॉस खेल रहे हैं। चलो जी, चलो बाय।